नारायण नारायण दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। दोस्तों 15 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच का राशिफल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। राशिफल में हम कुछ ज़्यादा तो नहीं बता सकते हैं, पर कोशिश पूरी करती हूँ कि आपको मैं सही सही बात बता सकूँ। और मेरी यही इच्छा भी रहती है कि आप लोगों को इन राशिफल का फ़ायदा हो। आप एक कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मे बी पॉसिबल वो भी जानना चाहते हो। तो मैं शुरू कर रही हूँ मिथुन राशि का। इस वीक का राशिफल कैसा रहने वाला है? मिथुन राशि, लाइफ में पॉजिटिविटी कम होती जा रही है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार धारा में गुम होते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। मिथुन राशि, आपसे कहा जा रहा है अपनी थिंकिंग को चेंज कीजिए, चेंज योर प्रोसेस, योर वे ऑफ थिंकिंग, स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली। हर एक चीज़ में पॉजिटिवली सोचना शुरू कीजिए। यदि आपने ऐसा किया तो आपके आसपास का वातावरण ठीक होने लग जाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ योर नेगेटिविटी आपके आसपास जो लोग हैं वो भी आपको अवॉइड करने लग रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपसे दूर होना शुरू हो चुके हैं। सो आप यदि ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा आपकी नेगेटिव थिंकिंग आपकी हेल्थ को भी खराब कर रही है, तो यू नीड हेल्थ, यू नो हेल्थ इज़ वेल्थ। तो अपनी हेल्थ को ठीक रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। इस वीक में आपको आपके फाइनेंसेस में भी प्रॉब्लम नजर आ रही है। सपोज आप मार्केट जाते हैं या किसी एटीएम से पैसे निकाल रहे हों तो ध्यान से कीजिएगा, कहीं कोई हैक ना कर ले या आपका कोई पर्स छीन कर ना चल पड़े, तो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है। आपके किसी रिलेटिव के यहाँ कोई आयोजन हो सकता है, कोई मंगल कार्य भी हो सकता है, कोई बर्थडे या किसी का एंगेजमेंट या कुछ ऐसा हो सकता है, तो उसमें ज़रूर जाइएगा, डोंट अवॉइड, जाइएगा, कि तभी आपके चारों तरफ पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी। आपके कैरियर में प्रोग्रेस नज़र आ रही है, सक्सेस मिलने वाली है, बट आप उस सक्सेस के नशे में मत डूब जाइएगा, क्योंकि आप उस सक्सेस में डूबे और आपके साथ में कुछ ना कुछ आप गलत डिसीजन ले लेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये कहा जा रहा है कि वो अपने टीचर्स को इम्प्रेस करने वाले हैं, मेहनत करके वो अपने टीचर्स को इम्प्रेस करने वाले हैं। मिथुन राशि के लोगों, आपसे कहा जा रहा है कि विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिए। आप किसी भी पूजा की शॉप पर जाकर यदि कहेंगे विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक की बुक, प्लीज़ गिव मी द बुक ऑफ विष्णु सहस्त्र नाम, तो आपको उसकी बुक मिल जाएगी, आप उसका पाठ कीजिए, तो जो भी आपके आसपास चारों तरफ जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो दूर होती चली जाएंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। नारायण नारायण।